हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे न्यू पाथवेज। ये क्लास सिक्स्थ की इंग्लिश लिटरेचर की रीडर है और इसका फर्स्ट चैप्टर आज हम आपको स्टार्ट कराते हैं। यस, इस देखिए इसका जो टॉपिक है वो है काली एंड द रेड स्नेक। ठीक है, काली यहाँ पर एक बच्चे का नाम होता है और रेड स्नेक होता है जो रेड चूहे वगैरह ऐसे छोटे मोटे एनिमल्स को खाता है, ऐसा सांप। ठीक है, हालांकि ये नॉन पॉइजनस माना जाता है, यानी कि जहरीला नहीं होता, फिर भी यदि कोई किसी का पैर आ जाता है या किसी भी तरीके से अपने आप को हर्ट समझता है तो ये काट भी सकता है, लेकिन फिर भी इसको जहरीला नहीं माना जाता। अब देखिए, हालांकि पेनफुल काफ़ी होता है इसका जो काटना होता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। काली वॉक्ड अलोंग द थॉर्नी फॉरेस्ट ट्रैक एज स्लोली एज ही कुड। ही वॉज ऑन हिज वे टू स्कूल। काली वॉकड अलोंग द थॉर्नी फॉरेस्ट ट्रैक। थॉर्नी यानी कांटेदार, जो जंगल का रास्ता था वहाँ से काली जाता था। ही स्लोली एज ही कुड, जितना धीमे जा सकता था उतना धीमे चलता था। ही वॉज ऑन हिज वे टू स्कूल, वो अपने स्कूल के रास्ते पर था, अर्थात वो स्कूल जा रहा था। कालीज फादर वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्नेक कैचर अमंग द इरूला ट्राइब। देखिए, काली के जो पिताजी थे वो बहुत फेमस जो सांप पकड़ने वाले होते हैं उनमें से एक थे इरूला ट्राइब के बीच में, यानी कि इरूला ट्राइब में ट्राइब के व्यक्ति थे ये, और जो बहुत सारे सांप पकड़ने वाले थे उनमें से ये सब काफ़ी अच्छे थे और बहुत फेमस थे। ही हैड कॉट ओवर 100 कोबराज जस्ट दिस मॉनसून एंड बॉट मैनी गुड थिंग्स फॉर द फैमिली। इस मॉनसून में उन्होंने 100 से भी ज़्यादा कोबराज को पकड़ा था, सांपों को पकड़ा था, और घर के लिए फैमिली के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आए थे। द स्नेक कोऑपरेटिव पेड 150 फॉर ईच पॉइजनस स्नेक। जो सांप पकड़ने वाले जो लोग होते हैं उनको जो वहाँ का कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है वो 150 रुपये एक जहरीले सांप के देते थे पकड़ने के लिए। दे टुक आउट द पॉइजन फ्रॉम स्नेक्स टू मेक एंटी वेनम सीरम। वो क्या करते थे कि उन सांपों से जहर, पॉइजन यानी जहर को निकाल देते थे और एक मतलब एंटी वेनम सीरप बनाते थे। वेनम का मतलब भी पॉइजन होता है, सीरम बनाते थे। तो यानी कि कोई किस आप समझ सकते हैं कि कोई दवाई बनाते थे, एंटी वेनम जो जहर के खिलाफ काम करती है, यानी कि आपने सुना होगा कि जहर से ही जहर मरता है ना, तो वो दवाई वो बनाया करते थे। तो उसके लिए एक सांप को पकड़ने का वो 150 रुपीज़ दिया करते थे काली को। व्हेन काली वेंट स्नेक कैचिंग विद हिज फादर हिज लेग्स वर्कड लाइक मशीन्स बट नाउ ही स्लोड डाउन। जब काली अपने पिताजी के साथ सांप पकड़ने जाया करता था तो उसकी गति काफ़ी तेज होती थी, मशीन की तरह उसके पैर काम करते थे यानी स्पीडली, लेकिन अब वो काफ़ी स्लो डाउन हो गया है, यानी कि स्कूल जाते वक्त उसके पैर आगे नहीं बढ़ते हैं, धीमी गति से चलता है। आई हेट स्कूल ही टोल्ड द बुशेज एज हिज वॉक गॉट स्लोअर एंड स्लोअर एंड स्कूल हेट्स मी। उसने कहा मैं स्कूल से घृणा करता हूँ। उसने झाड़ियों के बीच में से होकर के धीमा और धीमी अपनी गति को कर लिया और स्कूल मुझसे हेट करता है। तो कहने का मतलब उसका क्या था कि मैं स्कूल से हेट करता हूँ, यानी मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं है और स्कूल मुझसे हेट करता है। स्कूल का मतलब है यहाँ पर स्कूल के जो बच्चे हैं। आगे जाके आप देखेंगे कि क्या है इस लाइन का मतलब। द बुशेज डिड नॉट सीम टू अंडरस्टैंड और फील सॉरी फॉर हिम। लेकिन ऐसा लगता था कि जो झाड़ियाँ हैं
जिनसे वो बातें करता था वो उसके लिए सॉरी फील नहीं करती थी। इट हैज़ बीन 2 मंथ्स सिंस आई जॉइंड स्कूल, 2 महीने हो गए थे जब से मैंने स्कूल को ज्वाइन किया था, बट आई डोंट हैव अ सिंगल फ्रेंड, लेकिन मेरा कोई भी वहाँ पर अभी तक कोई दोस्त नहीं था 2 महीने में भी। आई गेट द फीलिंग आई थिंक दे थिंक वी रूल इरूलाज आर वियर्ड, मेरे अंदर एक भावना आती है, भाव आता है कि शायद वो लोग ये सोचते हैं कि वो हम लोग वियर्ड हैं, यानी गंवार हैं, जंगली हैं, ठीक है। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल ईच स्टूडेंट हैड टू स्टैंड अप एंड टेल द होल क्लास 3 थिंग्स, हिज और हर नेम, द नेम ऑफ द विलेज एंड व्हाट फादर डिड। देखिए, स्कूल में जब कोई फर्स्ट डे जाता था तो हर विद्यार्थी को, स्टूडेंट को 3 चीज़ें बतानी पड़ती थी, एक तो उसका और उसका नाम, उसका और उसका मतलब चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, उसको अपना नाम बताना होता था, और द नेम ऑफ द विलेज और अपने गांव का नाम, और उसके पिताजी क्या करते थे ये भी उसको बताना होता था। तो माय नेम इज़ रामू, माय विलेज इज़ मेलूर, माय फादर इज़ बस कंडक्टर, सेड द फर्स्ट चाइल्ड। पहले बच्चे ने बताया कि मेरा नाम रामू है और मेरा जो गाँव है वो मेलूर है और मेरे फादर जो हैं बस कंडक्टर हैं, पिताजी बस कंडक्टर हैं। Then came सेल्वी ओरेथुर पोस्टमैन, यानी कि इसके बाद नंबर आता है सेल्वी का, जो उसका नाम खुद का नाम सेल्वी है और उसके पिताजी का नाम ओरेथुर है और उसके पिताजी एक पोस्टमैन है, ठीक है। When it was काली's turn, फिर काली की बारी आती है, he was so proud, he felt like a balloon, वो इतना गर्व महसूस कर रहा था कि गुब्बारे की तरह से फूल गया था। द एंड आई एम काली, मैं काली हूँ, माई विलेज इज़ कैंथुर, मेरे गांव का नाम कैंथुर है और माई फादर इज़ अ स्नेक कैचर, मेरे पिताजी सांप पकड़ने वाले हैं। टर्न करते हैं पेज को बच्चों, यस। द चिल्ड्रन गिगल्ड एंड नज्ड वन अनादर एज इफ़ ही हैड सेड समथिंग सिली, जैसे ही काली ने अपना नाम और फादर का नाम और वो मतलब उसका विशेष रूप से फादर का प्रोफेशन बताया तो सारे बच्चे गिगल, यानी दांत निकालने लगे, यानी हंसने लगे और एक दूसरे से ऐसे कोहनी मारते ना इस तरीके से करने लगे, और जैसी ऐसा लगा जैसे कि वो उसने कुछ मूर्खतापूर्ण बात बोल दी है, सिली बात उसने बोल दी है, ऐसा उसको महसूस हुआ। For the first time in his life, Kali did not feel proud of being an Irula. For the first time in life, क्योंकि जीवन में पहली बार काली ने did not feel proud, गर्व महसूस नहीं किया था अपने आप पर इरूला होने की वजह से, यानी हर बार उसको अच्छा लगता था, गर्व फील करता था, प्राउड फील करता था कि मैं इरूला ट्राइब का हूँ, लेकिन यहाँ पर पहली बार उसको ये सब अच्छा नहीं लगा। ही विश्ड ही वर जस्ट लाइक द अदर्स एन ऑर्डनरी बॉय विद अ बस कंडक्टर फादर, उसने तो ये इच्छा की थी कि वो भी एक अन्य जो बच्चे हैं उनकी तरह से ही एक साधारण बॉय है, जैसे कि किसी के पिताजी बस कंडक्टर हैं, कोई और प्रोफेशन करता है, ऐसे ही उसने अपने आप को भी समझा था। एनीवे जो भी है, दैट वाज 2 मंथ्स अगो, काली वाज गेटिंग यूज्ड टू इट बट इट वाज हार्ड एंड हिज स्कूल वॉक गॉट स्लोअर एंड स्लोअर, जो भी हो 2 महीने उसको हो चुके थे और वो थोड़ा यूज टू तो हो रहा था, लेकिन यूज टू होना काफ़ी कठिन लग रहा था, उसको आदत बन रही थी लेकिन बहुत कठिनाई से। वो स्कूल जाता था तो उसकी जो गति थी वो स्लोअर स्लोअर हो जाती थी, जो चाल है वो धीमी पड़ती जाती थी। काली रीच्ड द स्कूल गेट एज द बेल रिंग वॉज रिंगिंग, जब बेल बज रही होती थी तो काली स्कूल पहुंचता था, यानी लेट। एज यूजुअल ही सेट इन द बैक एंड बैक रो अलोन विशिंग ही हैड फ्रेंड्स, सामान्य तौर पर जैसा कि अक्सर होता था वो बैक सीट पर बैठता था अकेला और
विशिंग ही हैड फ्रेंड्स, और इच्छा करता कि शायद उसकी कोई फ्रेंड होती। विशिंग ही कुड फेल एंड बी थ्रोन आउट ऑफ स्कूल, वो ये भी सोचता था कि वो फेल हो सकता था और उसको स्कूल से बाहर निकाला जा सकता था। बट फेलिंग वॉज नॉट ईजी, फेलिंग आसान नहीं थी, यानी फेल होना उसके लिए आसान नहीं था। क्यों नहीं था ये अभी बताया जाएगा। ही हैड ट्राइड, उसने कोशिश की, बट हाउएवर बैडली ही रोट हिज लेसन्स, द टीचर वॉज ऑलवेज हैप्पी विद हिम। कोशिश तो की लेकिन जैसा भी वो बुरा लिखता था, जैसा भी लिखता था, टीचर उसकी जो लेसन्स होते थे उन पर हमेशा हैप्पी फील करते थे। दिस मॉर्निंग दे हैड मैथ्स एंड राइटिंग, उनका आज मैथ्स और राइटिंग का डे था, पढ़ाई करनी मतलब मैथ्स करनी थी और राइटिंग करनी थी इस सुबह। एंड देन इट वॉज ब्रेक टाइम, और अब ब्रेक टाइम था। द चिल्ड्रन रश्ड आउटसाइड टू हैव देयर स्नैक, बच्चे अपना नाश्ता लेने के लिए बाहर की तरफ दौड़े। सम हैड इडली, कुछ इडली लेकर के आए थे। अदर्स द हैड मिक्सचर, कुछ मिला जुला कोई और नाश्ता। मिक्सचर अ स्लाइस ऑफ ब्रेड और टू और थ्री बिस्किट्स, कुछ ब्रेड बिस्किट इस तरीके से अपना अपना ब्रेकफास्ट लेकर के आए थे। काली ओपन्ड हिज टिफिन, काली ओपन्ड हिज टिफिन बॉक्स, काली ने अपना टिफिन बॉक्स खोला। ओह नो फ्रेंड्स, नो फ्राइड टर्माइट्स, क्या था इसमें? तली हुई जो दीमक होती है ना, वो थी उसके नाश्ते में। हिज फेवरेट, एक्चुअली वास्तव में ये उसको बड़ी पसंद थी। बट वॉट इफ समवन सॉ, लेकिन यदि कोई देख लेता तो क्या होता? ही हैड हैव टू हाइड, उसको छुपाना पड़ा अपना नाश्ता। ही सेट ऑन द वॉल, वो दीवार पर बैठ गया। फॉर फार अवे फ्रॉम ऑल द अदर्स, सभी बच्चों से दूर। एंड फिनिश्ड हिज टिफिन, और अपना टिफिन फिनिश किया, अपना नाश्ता फिनिश किया। टर्माइट्स डिडंट टेस्ट हेयर एज एट होम। सपोज समवन कम्स नियर मी, सपोज समवन आस्क मी आई हैव ब्रॉट, व्हाट आई हैव ब्रॉट। टर्माइट्स जो जितना टेस्ट घर पर देती थी वैसा यहाँ पर नहीं दे रही हैं। क्यों? उसके मन में एक डर है, मान लीजिए अभी कोई घर मेरे पास आ जाता है तो, कोई आता है तो, और मान लीजिए वो मुझसे पूछता है कि मैं क्या लेकर आया हूँ, तो इसलिए उसको उनका टेस्ट भी नहीं आ पा रहा था। काली वरीड, काली चिंतित था। अब देखिए इतना हम आज पढ़ाएंगे आपको, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। बच्चों लगता है समझ में आया होगा, और इफ़ यू लाइक तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, दया सोनी नाम से मेरा चैनल है। पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोस डाल रखी हैं लेकिन इस बार थोड़ा डिले हो गया बच्चों, कोई बात नहीं, आप पढ़िए और समझिए, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।